देशवासियों का कोरोना वैक्सीन के लिए इंतजार हुआ खत्म। कोविशील्ड वैक्सीन की पहली खेप पहुंची पटना एयरपोर्ट। विशेष वाहन से NMCH ले जाया गया वैक्सीन। रांची में अपने आवास पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने स्वामी विवेकानंद की 198वीं जयंती के अवसर पर उनकी तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित कर सीएम ने उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किया। आज फिर से हम लोग अपने देश के और दुनिया में चर्चित एक महापुरुष स्वामी विवेकानंद जी के 158 जयंती दिवस पर उनको याद कर। रांची में राज्यसभा सांसद व पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन के 77वें जन्मदिन के मौके पर उनके संघर्ष से जुड़ी 3 पुस्तकों का किया गया लोकार्पण। इस दौरान मौके पर सीएम हेमंत सोरेन भी रहे मौजूद। काम अच्छा हो रहा है, कर रहा है और उतना नहीं कर रहा है, लेकिन करना चाहिए और आगे करेंगे। होगा जन्मदिन और हर साल की भांति इस साल भी उनको बधाई देने के लिए कार्यकर्ता, विधायक, सभी लोग लगातार सुबह से आ रहे हैं। लातेहार के बारवाडीह में विद्यार्थी परिषद नगर इकाई ने मनाई स्वामी विवेकानंद की 198वीं जयंती। इस दौरान मौके पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के नगर मंत्री भी मौजूद रहे। रांची में कांग्रेस विधायक दल की हुई बैठक। इस दौरान कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर की गई चर्चा। वहीं बैठक में कांग्रेस के कई विधायक नदारद रहे। सरायकेला जिले के सीमावर्ती समीप ज्ञान गंगा पब्लिक स्कूल में झारखंड मानवाधिकार संघ के बैनर तले युवा दिवस मनाया गया। इस दौरान मौके पर कई गणमान्य लोगों ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। जमशेदपुर के पोटका के भारत सेवाश्रम संघ दमाकी में 20 सागवान वृक्षों को काटने के मामले पर प्रशिक्षु DFO आलोक वर्मा ने की जांच। इस दौरान कहा गया कि शैक्षणिक संस्थाओं में बड़े तादाद में वृक्षों को काटने पर दोषियों पर होगी कार्रवाई। मुंगेर में होल्डिंग टैक्स बढ़ाए जाने के खिलाफ भाजपा नेताओं ने मेयर और नगर आयुक्त का फूंका पुतला। भाजपा नेताओं ने कहा कि निगम द्वारा अब प्रत्येक स्टॉल से 450 की जगह 3000 रुपए देना होगा टैक्स। निगम के द्वारा जो 10% टैक्स में वृद्धि किया गया है, यह कहीं से उचित नहीं है। और जो डॉक्टर जो मनमानी फीस लेते हैं, उसका रसीद नहीं देते हैं, वो भी एक मनमानी है। ये हमारे जनता पर जो है जुल्म है, अत्याचार है। सिवान में सड़क किनारे लगे अतिक्रमण पर जिला प्रशासन का चला बुलडोजर, जिसको लेकर अतिक्रमणकारियों में मचा हड़कंप। वहीं नाराज दुकानदारों ने नगर परिषद द्वारा की जा रही कामों की भी जमकर निंदा की। सरायकेला खरसावां जिला के कुकड़ू मैदान में विश्व हिंदू परिषद द्वारा निधि संग्रह कार्यक्रम का किया गया आयोजन। इस दौरान विहिप व बजरंग दल द्वारा बैठक कर लोगों को अयोध्या में राम मंदिर निर्माण में अधिक से अधिक धन देकर सहयोग की अपील भी की गई। बारवाडी में वन पट्टा अधिकार की मांग को लेकर चल रहे आंदोलन के तहत ग्रामीणों ने बारवाडी प्रखंड कार्यालय का किया घेराव। इस दौरान ग्रामीणों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। झाझा में ई रिक्शा चालकों ने किया आंदोलन। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने प्रखंड अंचल कार्यालय पहुंचकर जमकर की नारेबाजी। चालकों का आरोप है कि नगर पंचायत के द्वारा ई रिक्शा चालकों से की जा रही अवैध वसूली। नालंदा के एक निजी स्कूल में धूमधाम से मनाया गया स्वामी विवेकानंद की जयंती। इस मौके पर बिहार सरकार के पूर्व मंत्री व नालंदा के विधायक श्रवण कुमार ने स्वामी विवेकानंद के चित्र पर किया माल्यार्पण। रोहतास पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। लूट और डकैती करने वाले गैंग के 7 लोगों को हथियार के साथ किया गिरफ्तार। SP ने प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि रोहतास और बक्सर जिले में लगातार ऐसे घटना को दे रहे थे अंजाम। इसके द्वारा लगातार जो नक्सलियों के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें SSB का सहयोग भी लिया जा रहा है, और उसमें दो उग्रवादियों की गिरफ्तारी की गई है, जिनके नाम है संजय पासवान। मुजफ्फरपुर के कांटी थाना क्षेत्र के NH 28 के पास ऑटो और ट्रक में हुई भीषण टक्कर। हादसे में करीब आधा दर्जन लोग घायल। बताया जा रहा है कि ऑटो में सवार सभी लोग दाह संस्कार कर लौट रहे थे। चाईबासा के तोड़ाग हातू रेलवे फाटक स्थित तेतड़ी पोसी के पास एक स्कूटी पेड़ से टकराई। एक युवक की मौके पर ही हुई मौत, तो वहीं दूसरा युवक बुरी तरह हुआ जख्मी। फिलहाल घायल का अस्पताल में चल रहा है इलाज।
मुंगेर के बरियारपुर थाना में देर रात ड्यूटी पर तैनात जवान मोहम्मद जाहिद ने AK-47 से की आत्महत्या। जानकारी मिलते ही SP मानवजीत सिंह ढिल्लो और DIG शफीउल हक थाना पहुंचे। वहीं इस बात की जांच की जा रही कि होमगार्ड जवान के पास AK-47 हथियार आया कैसे। चाईबासा पुलिस को मिली बड़ी सफलता। जगन्नाथपुर में हुई मोबाइल और स्कूटी छिनताई करने वाले आरोपियों को पुलिस ने धर दबोचा। बता दे 2.5 महीने बाद आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मुजफ्फरपुर में तेज रफ्तार ट्रक ने एक बाइक को मारी जबरदस्त टक्कर। हादसे में बाइक सवार बुरी तरह से हुआ जख्मी। इलाज के दौरान व्यक्ति की मौत। वहीं पुलिस ने मौके से ट्रक को किया जब्त। मसौढ़ी में ससुराल वालों ने की विवाहिता की हत्या। घटना की जानकारी मिलते ही मायके वालों ने मृतका के ससुराल वालों के खिलाफ दर्ज कराया FIR। सरायकेला में चोरों के हौसले बुलंद। बताते चोरों ने जिले के रहमतनगर में निर्माणाधीन घर में सेंध मारी कर 25,000 रुपए समेत अन्य कागजातों की चोरी कर ली।